चरण को धनी ए न छुड़ायो खीन। लाक तली लाल एडिया मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो धनी नजर खोलो बातू पलनवाड़ू निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। ने चल जोगवाई नहीं एने ठाम अधखिण मा थाई कई काम। इंद्रावती कहे आवार निंद्रा नौ की जे निरधार। प्रणेश्वर अक्षर तीर्थ ने रास ग्रंथ के इस प्रकरण में सबके लिए संबोधन किया है। भूढ़ा जीव जागजरे कहलाने के लिए तो ये जागरी का प्रबंध है, लेकिन इस प्रकरण से पूर्व के प्रकरण की अंतिम चौपाई में आपने क्या सुना? निद्रा न कीजिए निर्धार। निश्चित रूप से नींद नहीं करनी है। नींद का अर्थ क्या होता है? अज्ञानता। नींद में जो ग्रसित व्यक्ति होता है वो स्वयं को नहीं जानता, उसके आसपास क्या हो रहा है वो भी नहीं जानता। अभी आप इतने सुंदर साथ बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, मैं कहूं कि आप सो रहे हैं तो आप क्या उत्तर देंगे? कहेंगे कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, हम तो जगे हुए हैं, सो आपकी चर्चा सुन रहे हैं। कहलाने के लिए तो आप सुन रहे हैं, सारी क्रियाएं कर रहे हैं, हंस बोल रहे हैं, खेती गृहस्थी के काम कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में कोई जगह हुआ है? देखा जाए तो इस जागनी ब्रह्मांड में सबकी परात्म पर फरामोशी है। जो तारतमवाणी के प्रकाश को ले लेता है, चितवनी में डूब जाता है, विरह में अपने को डुबो देता है, राज्य की शोभा को बसा लेता है, तो उसकी आत्मा जागृत हो जाती है। जीव कब जागृत होता है? जब जीव वाणी के ज्ञान को आत्मसात कर अटूट विश्वास रखने लगता है राज्य पर, और उसके अंदर भाव प्रबल हो जाता है कि मैं परमधाम की आज्ञा हूं, तो यही उतने उसके जागने के लिए काफी है। वाणी क्या कहती है? यही रस तारतम का चढ़िया जेहर उतारे निर्विक काया करे जागे जीव करारे। जीव के जागने का तत्पर्य क्या? वो माया के विषयों को छोड़ दे और राज्य पर अटूट निष्ठा कर ले, यही जीव का जागना है। आत्म का जागने का अर्थ क्या है? आत्मा राज्य के नक्श से सिख तक की शोभा को बसा ले, उसको परम धाम यही बैठे बैठे दिखने लगी, ये आत्मा का जागृत होना है। पर आत्म की जागनी एक साथ होगी, ऐसा नहीं कि श्यामा जी की आत्मा जागृत हो गई। इस खेल में श्यामा जी की आत्मा तो जागृत हो गई है, श्यामा जी की परात्म जागृत नहीं हुई है। अभी मेरे से चूक में कह दिया गया कि श्यामा जी की आत्मा नहीं जागृत हुई है। श्यामा जी की आत्मा तो जागृत हो गई है, परात्म नहीं जागृत हुई है। इंद्रावती जी की भी परात्म पर फरामोशी है। परम धाम में अक्षर ब्रह्मा लक्ष्मी श्यामा जी सखियां सब कुछ फरामोशी में है। राज्य के अतिरिक्त कोई भी जागृत नहीं है, लेकिन इस खेल में कोई आगे कोई पीछे, इश्क लेसी सबको, पहले इश्क जिन लिया सोई सुहागिन। जो राज्य की वाणी को आत्मसात करके अटूट विश्वास पर खड़े होते हैं, उनके प्रेम में डूब जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? कि ये परमधाम की परमात्मा है, अब ये जागृत होते हैं। इसमें बहुत ही कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया है। भूंडा जीव जाग जेरे,
बूढ़ा का अर्थ क्या होता है? वैसे शब्दों का उच्चारण मैं अपनी जीवा से करूँ अच्छा नहीं लगता है, मैं यहाँ नादान शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। किसी को पापी कह देने से उसके अंदर नकारात्मक प्रवृत्ति हो जाती है। देखिए, पाप कौन करता है? पाप और गुण की परिभाषा क्या है, मैं आपको एक दृष्टांत से समझाता हूँ जो कठोपनिषद में दिया है, अन्य उपनिषदों में भी इसको विस्तार पूर्वक दिया है, मैं इसको सरल तरीके से बताता हूँ। एक रथी है, रथी समझते हैं, जो रथ पर बैठा होता है। रथ में 10 घोड़े जुटे हुए, 10 घोड़ों का रथ है। एक सारथी भी है, वो लगाम पकड़े हुए है और रास्ते पर चलता जा रहा है। मंजिल कहाँ पहुंचनी है? मोक्ष तक, मुक्ति तक। लेकिन यदि घोड़े चंचल हो जाएंगे तो क्या करेंगे? रास्ते से भटकना शुरू कर देंगे। घोड़ों को नियंत्रित करने के लिए मन रूपी सारथी के पास लगाम है, मन रूपी लगाम है। सारथी कौन है? बुद्धि। बुद्धि ने मन रूपी लगाम से घोड़ों की नियंत्रित करने के लिए संकल्प किया हुआ है। अब प्रश्न यह है कि घोड़ों को नियंत्रित कैसे किया जाए? यदि बुद्धि कमजोर हो जाएगी, सारथी में योग्यता नहीं रहेगी, तो लगाम कुछ कर नहीं पाएगी। बुद्धि अच्छी रहेगी तो सारथी बढ़िया से काम करेगा, वो लगाम को खींच करके घोड़ों को नियंत्रित कर लेगा। यदि बुद्धि गलत हुई तो कहने के लिए वो सारथी बैठा रहेगा, अर्थात सारथी यदि कमजोर हो गया तो लगाम तो कुछ नहीं करेगी। यदि लगाम छूट जाती है तो क्या कहते हैं कि घोड़े नियंत्रित नहीं हो गए, वो रथवान को, रथी को सड़क के नीचे गड्ढे में गिरा सकते हैं, रथी कुछ नहीं कर सकता। जब गड्ढे में गिर जाएंगे तो चोट किसको लगनी है? जो रथ में बैठा हुआ सबका स्वामी है, वो बुद्धि का भी स्वामी है, घोड़ों का भी स्वामी है, लगाम का भी, सबका स्वामी है। वैसे ही हमारे साथ होता है, हमारा जीव क्या है? रथी है, रथ पर बैठा हुआ है। हमारी बुद्धि क्या है? सारथी है। मन क्या है? लगाम है। हमारी 10 इंद्रियां घोड़े हैं, इनको नियंत्रित करेगी लगाम। लगाम को नियंत्रित करने वाला कौन है? सारथी। अब प्रश्न होता है कि बुद्धि का परिष्कार कैसे हो? सृष्टि में जो पहला तत्व बनता है वो बुद्धि है। सृष्टि का सृजन होता है अहंकार से। जब अक्षर ब्रह्म का संकल्प होता है, अक्षर के मन अव्याकृत का संकल्प होता है कि सृष्टि बने, तो मोह सागर में अक्षर का मन प्रतिबिंबित हो जाता है, वो नारायण का रूप लेता है। और वो नारायण स्वयं को, जो पहले जो मूल स्वरूप में अव्याकृत था, अब देखता है कि मैं मोह सागर में हूँ। चारों तरफ देखता है घोर अंधकार, सोचता है कि मैं हूं, मैं कौन हूं? नारायण हूं। अब ये अहंग भावना सृष्टि का कारण बन जाती है। उसके अंदर जो अहंग हुआ तो परिणाम क्या होता है? वो संकल्प होता है एकोहम बहुश्याम, मैं एक हूं तो क्या अनंत रूप हो जाऊं, क्योंकि अनंत सृष्टि का सृजन करने के लिए अक्षर ब्रह्म ने संकल्प किया है। अब परमाणुओं में क्षोभ होता है, सबसे पहले पदार्थ क्या बनेगा? महातत्व, जिसको कहते हैं बुद्धि। जब मैं प्राय चर्चा में कहता हूं सुंदर साथ को कि सुंदर साथ जी, बुद्धि की शुद्धता बहुत जरूरी है, बुद्धि की शुद्धता के लिए आहार की शुद्धता बहुत जरूरी है। यदि आप आहार शुद्ध नहीं करेंगे तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। कैसे? एक तरफ कहा जाता है कि ज्ञान का प्रवेश होगा, कोई व्यक्ति ज्ञानवान हो जाए तो पाप नहीं करेगा। तो रावण तो कम बुद्धि विद्वान नहीं था, रावण राम से 10 गुना विद्वान था, लेकिन कार्य क्या था? राक्षसों का। क्यों? क्योंकि वो मांस खाता था, शराब पीता था, चारों वेदों का पंडित है, 6 शास्त्रों का पंडित है। 10 सिर क्यों दिखाए गए?
कि एक मनुष्य जितना बुद्धिमान हो सकता है, रावण उससे 10 गुना बुद्धिमान था, विद्वान था, लेकिन प्रवृत्ति आसुरी है क्योंकि आहार तामसिक है। इसलिए चारों वेद पढ़कर भी उसको किसी ने ऋषि नहीं कहा, मुनि नहीं कहा, ज्ञानी नहीं कहा। विद्वान है लेकिन ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी और विद्वान में अंतर होता है। विद्वान एक होता है कि वाचक ज्ञानी जिसको कहते हैं, केवल पढ़ लिया है, आचरण उसके विपरीत कर रहा है। तो रावण का दोष नहीं। रावण मातृ कुल से राक्षस कुल का था और पितृ कुल से ऋषि कुल का था। जन्म से तो ब्राह्मण है, कर्म से ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि माँ का अंश उसको विवश कर रहा है मांस खाने के लिए, शराब पीने के लिए, पर स्त्री को हरण करने के लिए, खून खराबे के लिए, अपने संगे भाई कुबेर को गद्दी से उतार कर लंका पर कब्जा कर लेता है। ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि तपस्या से मन पवित्र हो जाता है। तो रावण ने कम तपस्या नहीं की थी, जितने राक्षस हुए हैं सबने तपस्या की है, लेकिन उनकी तपस्या भी तामसिक तपस्या है। क्या दुर्योधन वेद का स्नातक नहीं था? दुर्योधन भी वेद पढ़ा था। और शकुनी जो सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी था, क्या वो अनपढ़ थोड़े था? शकुनी भी पढ़ा है, लेकिन सबके अंदर तमोगुणी प्रवृत्ति है। जब मनुष्य सत्य रज तम के बंधन में बंधा होता है तो जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। गीता में 3 गुणों की व्याख्या की गई है और बताया गया है कि रजोगुण कर्म में बांधता है, तमोगुण अज्ञानता में पाप में बांधता है, और सत्वगुण ज्ञान और स्नेह के बंधन में बांधता है। लेकिन सत्वगुणी जब तक आप नहीं होंगे त्रिगुणातीत अवस्था में नहीं आएंगे। रजोगुणी होंगे तो हाय ये काम करना है, यह काम करना है, हाय तोबा मची रहेगी। तमोगुणी हो जाएंगे तो आलस्य प्रमाद और निद्रा में डूबे रहेंगे, आपके अंदर काम क्रोध मद लोभ अहंकार की अग्नि चलती रहेगी। इसलिए ज्ञान आवश्यक है। एक सामान्य व्यक्ति को ज्ञान मिलना जरूरी है। ज्ञान ही उसके अंतस को प्रेरित करेगा कि देखो तुम्हारा मानव जीवन ये मिला है, जैसे अभी आप चर्चा सुन रहे हैं, तो आपके अंदर 3 गुणों की प्रबलता है। हर व्यक्ति में किसी में सत्वगुण ज्यादा है, किसी में रजोगुण ज्यादा है, किसी में तमोगुण ज्यादा है। किंतु यदि तमोगुण हो गया और अपने बुद्धि की चतुराई से वेद भी पढ़ लिए, पूरी वाणी कंठस्थ कर लीजिए, तो भी गारंटी नहीं है कि आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी। इसके लिए क्या करना होगा कि आपको अपने अंदर आहार की परिशुद्धि पर ध्यान देना होगा, क्योंकि वाणी क्या कहती है, धर्मशास्त्र क्या कहते हैं कि यदि बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो चित्त शुद्ध नहीं होगा, चित्त शुद्ध नहीं होगा तो मन शुद्ध नहीं होगा। जैसे मैंने अभी कहा, यदि सारथी कमजोर है तो लगाम को कैसे पकड़ेगा? लगाम नहीं पकड़ेगा तो घोड़े तो अनियंत्रित हो जाएंगे, इंद्रियां हमारी चंचल हो जाएगी, और परिणाम क्या होगा, हम विषयों में फंस जाएंगे। इंद्रावती जी की आत्मा क्या कहती है, काई धनी तुम स्याने मेरे सास्ते जिन रहो विखे रसला, पांव पकड़ कहीं इंद्रावती उठ खड़े रहो जा। ऐसा क्यों कहना पड़ा? तुम स्याने मेरे साथ जी जिन रहो विखे रसला, भाई थोड़े बच्चों को शोर मत कराइए ना। तुम स्याने मेरे साथ जी जिन रहो विषय रसला, विषय का विस्तार ऐसा होता है जो बड़े बड़े विद्वान को भी डगमगा देता है। आप पूरी वाणी की चौपाइयां याद कर लीजिए, सागर सिंगार याद कर लीजिए, लेकिन आपके चित्त में वासनाओं के संस्कार प्रबल हैं, आप में भक्ति भावना नहीं है, तो परिणाम क्या होगा? आप चौपाइयां तो बोलते रहेंगे, वेद के मंत्र भी बोल लेंगे, लेकिन उस ज्ञान का प्रवेश आपके हृदय को छू नहीं पाएगा। देखिए बुद्धि अलग पदार्थ है, मस्तिष्क अलग पदार्थ है। मस्तिष्क से कार्य होता है, इंद्रियों को निर्देश कौन देता है? मस्तिष्क।
पूरे शरीर को नियंत्रित कौन करता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क को नियंत्रित कौन करता है? मन भी करता है, बुद्धि भी करती है, चित्त भी, अहंग भी। अंतःकरण मस्तिष्क को नियंत्रित करता है। ये सूक्ष्म विषय है, मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता। मस्तिष्क में अलग अलग अंश होते हैं, कोई भाव मूलक होता है, कोई ज्ञान मूलक होता है, कोई कुछ होता है। अर्थात जो हमारा अंतःकरण है, कारण शरीर है। कारण शरीर नियंत्रित कैसे करेगा? वो तो दिखाई भी नहीं देता किसी सूक्ष्मदर्शी से भी, लेकिन उन्हीं की प्रेरणा से मस्तिष्क में वो कोष जागृत होते हैं। कोई व्यक्ति दार्शनिक विचारधारा का होता है, कोई व्यक्ति गणित की विचारधारा का होता है, कोई व्यक्ति भक्ति भाव की विचारधारा का होता है। ये कैसे होता है? अपने अपने संस्कारों के प्रभाव से, और जैसा चित्त में संस्कार उभरते हैं उसके अनुसार कर लेता है। मैं वही बात कहना चाह रहा हूं कि एक तरफ रावण चारों वेदों का प्रकांड विद्वान है। भाई सुंदर शाह जी शांति से बैठिए, ये विषय कुछ दूसरा है। रावण चारों वेदों का विद्वान है, लेकिन ऋषि नहीं बन सकता। हम सुंदर साथ ऐसा नहीं है कि वाणी नहीं पढ़ते, वाणी सभी पढ़ते हैं, लेकिन यदि आप, मैं एक दृष्टांत देता हूं, प्रतिदिन 10 कप कॉफी पीजिए, 10 मिर्चे खाइए, 1 लहसुन की पूरी गांठ खाइए और खूब गरम गरम मसाले की सब्जी खाइए, चौपाइयां तो आप पढ़ लेंगे, आपका मस्तिष्क याद कर लेगा, लेकिन आपके अंदर से विरह कहाँ से पैदा होगा? भक्ति की धारा आपके अंदर नहीं बहेगी। आप ज्ञान को पढ़ते रहेंगे, मस्तिष्क ग्रहण करेगा, दिल ग्रहण नहीं कर पाएगा। जब तक हृदय में विरह के भाव अंकुरित नहीं होंगे तो आपकी आत्मा जागृत कैसे होगी? जब जीव विरह के आंसू नहीं बना पाएगा तो निश्चित है कि कभी भी आत्मा की जागने का प्रश्न ही नहीं होता। इसलिए बार बार यहां प्रेरित किया जा रहा है, भूढ़ा जीव जाग जे रे, ऐ नादान जीव नादान। मैं इसलिए कह रहा हूं, यदि आपने सोच लिया कि मैं पापी हूं तो आप पापी ही रहेंगे। आपको सोचना क्या होगा? जैसे मदालसा अपने बच्चों को सिखाती थी, शुद्धवश बुद्धवश निरंजनवश संसार माया परिवर्जितवश। तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, अवयव से रहित हो, तुम ये हाथ पैर जो दिख रहे हो ये नहीं हो। आप किसी के अहंग में उचित जान भरिए कि तुम कौन हो? तुम परमधाम की आत्मा हो। तू माया छल देखने भील गई मह छल, छल को छल न लागी ओ लहरी ओ जल। आप परम धाम से आए माया का खेल देखने के लिए। आप किसी बच्चे को बार बार कहिए तुम बहुत बिगड़ा है, तुम चोर है, तुम निकम्मे हो, तुम किसी काम के नहीं, तो उसके अंदर ये भावना घर कर जाएगी कि मैं सचमुच बुरा हूं, मैं कभी अच्छा बन ही नहीं सकता। आप उसको प्रेरित कीजिए कि नहीं, तुम अच्छे बन सकते हो। एक सच्ची घटना मैं इतिहास की बताता हूं। एक अमित चंद नाम के एक व्यक्ति थे जो शराबी थे, कबाबी थे, सारे पाप कर वेश्यागमन वो करते थे। लेकिन उस व्यक्ति के पास एक कला थी, वो गाते बहुत अच्छे थे। और याद रखे, संसार में पापी से पापी व्यक्ति के अंदर भी कोई ना कोई अच्छाई होती है। यदि 99 अवगुण है तो एक गुण अवश्य होगा। एक बार अमित चंद ऋषि दयानंद की सभा में आए और उनसे कहा कि स्वामी जी मैं एक भजन सुनाना चाहता हूँ। कहा दयानंद जी ने सुनाओ। इतना बढ़िया भजन सुनाया कि दयानंद जी मस्ती में झूमने लगे मंच पर। कहा कि अमित चंद, भजन समाप्त होने के बाद, हो तो तुम हीरा लेकिन कीचड़ में फंसे हो। और कुछ नहीं कहा कि तुम शराबी हो, कबाबी हो, तुम बुरे हो, कुछ नहीं कहा। कह दिया कि हीरा हो लेकिन कीचड़ में फंसे हो। उसको वो बात लग गई कि मैं हीरा हूं और कीचड़ में फंसा हूं, तो मैं हीरा बन करके रहूंगा। उसी दिन उसने दृढ़ प्रतिज्ञा की कि न शराब छूंगा, न मांस छूंगा, न वेश्यागमन करूंगा। और उस दिन से वो अमित चंद जो शराबी कबाबी था, भक्त अमित चंद बन गया। उनके बनाए हुए भजन आज भी गाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या? एक ज्ञान का तीर ऐसा लगता है कि पापी से पापी व्यक्ति को भी सही मार्ग पर ला सकता है। उसके संस्कारों को ग्रहण करने वाला चाहिए। लेकिन यदि हम कोई व्यक्ति घोर निद्रा में हो, जैसे आपको ट्रेन पकड़नी होती है
तो आपको चिंता होती है। समय पर तुरंत उठ जाते हैं, और जिस दिन रविवार होता है सोचते हैं कि आज तो कहीं नहीं जाना है, तो आप देर तक सोए रहते हैं। जिसमें तमोगुण की प्रबलता होती है वो कितनी भी ज्ञान की बातें सुनता है उस पर असर नहीं होता है। भैरव सेठ श्री जी के सामने बैठकर बहुत दिन तक, कई महीने होते हैं, चर्चा सुनते रहते हैं। एक श्री जी ठोकर मारते हैं कि भैरव तुम मेरे कहने से एक महीने के लिए तुम मांस छोड़ दो, शराब छोड़ दो, परिस्त्री गमन छोड़ दो, ये जो गुड़गुड़ा पीते हो तम्बाकू ये भी छोड़ दो। उसने कहा कि जी धामधनी, आपके आदेश पर मैं एक महीने के लिए छोड़ दूंगा। छोड़ देता है, उसको प्रयाश्चित होता है कि मैं सचमुच पाप कर रहा था, मुझे नहीं करना है। और जब बुरा व्यक्ति विवेक से अपनी बुराई को छोड़ता है तो सच्चे दिल से छोड़ता है। श्री जी की कृपा दृष्टि पड़ती है और तीसरे दिन ही उसको साक्षात अनुभव हो जाता है, दर्शन हो जाता है। क्यों? उसने बुराई जब छोड़ी तो सच्चे हृदय से छोड़ी। हम सुंदर साथ अपने गुनाहों को छिपाने का प्रयास करते हैं, सोचते हैं कि कौन देख रहा है, यही हमसे सबसे बड़ी चूक होती है। हमें जानते हैं सबसे बड़ा आस्तिक कौन होता है, नास्तिक कौन है? ऐसा नहीं कि जो पूजा पाठ नहीं करता वो नास्तिक नहीं, वही नास्तिक है। जो बड़ी बड़ी मालाएं पहनता है, तिलक लगाता है और बड़े बड़े पूजा पाठ करता है, यदि वो सोचता है कि राज्य तो मंदिर में बैठे हैं, तो समझिए को नास्तिक है। राज्य की दृष्टि से कोई बचा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा आस्तिक कौन है? भले ही वो मंदिर ना जाए, भले ही पूजा पाठ ना करे, लेकिन यदि वो विवेक रखता है कि कोई अनंत शक्ति मुझे देख रही है और उसकी दृष्टि से मैं बच नहीं सकता, तो समझिए उससे बड़ा आस्तिक कोई है नहीं। आस्तिक का तात्पर्य क्या है? जो सर्वत्र परमात्मा के ज्ञान चक्षुओं को का अनुभव करता है कि परमात्मा मेरे हर कार्य को देख रहा है। बड़े बड़े विद्वान सोचते हैं कि अरे हम ये कर लो, हमें कौन देखता है? तो आस्तिक का तात्पर्य क्या है? जिसकी व्यापकता का, जिसकी अनंत शक्ति का अनुभव सर्वत्र होता है वही आस्तिक। जो ऐसी विचारधारा को मानता है वो आस्तिक है। और यदि आपके अंदर ये संस्कार हैं तो आपको जगने में कोई देरी नहीं लगेगी। मैं पुनः अपने वापस उस मंतव्य पर आता हूँ कि यदि आपने आहार को नियंत्रित नहीं किया तो परिणाम क्या होगा? ये बात ऐसी ही होगी जैसे आप पेड़ पर चढ़ते हैं और थोड़ा सा एक फुट चढ़े, दो फुट चढ़े, फिर उतर जाते हैं, अगले दिन फिर दो फुट चढ़ते हैं और उतर जाते हैं। वैसे ही होगा, जैसे आप एक घंटे वाणी पढ़ते हैं, एक घंटे चितवनी करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन भोजन आपका तामसिक है तो परिणाम क्या होगा? मस्तिष्क तो ग्रहण करता जाएगा, एक दिन आप पूरी वाणी के विद्वान बन जाएंगे, वेद शास्त्र के विद्वान बन जाएंगे, लेकिन जब तक विरह में आपका हृदय नहीं तड़पेगा, प्राणेश्वर के विरह में, तब तक निर्मल निर्मलता कहाँ से होगी? इसीलिए कहते हैं कि पीव के विरह निर्मल किए, पीछे अखंड सुख सबन को दी। हाँ, यदि आप राज्य का ध्यान करते हैं और आपके हृदय में सच्ची चाहत है कि राज्य मुझे इन विकारों से दूर कर दीजिए, तो परिणाम क्या होगा? आपको चोट किसी न किसी दिन लग जाएगी और आपका हृदय द्रवित हो जाएगा कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है। जैसे अभी आपको मैंने उदाहरण दिया अमित चंद का, अमित चंद को शब्दों की चोट लगी और उन्होंने मांस शराब सब छोड़ दिया। जब छोड़े तो भक्ति की धारा में बह गए। भैरव सेठ ने श्री जी के वचनों की चोट से मांस शराब बुरे कर्म छोड़े तो उनका हृदय निर्मल हो गया। श्री जी ने क्यों मना किया है? तामसिक आहार। तामसिक पदार्थ किसको कहते हैं? जिसके खाने से शरीर में तमोगुण बढ़ता है। वो क्या है? यात यामम गत रसम पूर्तिम च परिष्टम च उचिष्टम च मेतमम च भोजनम तामसम प्रियम। जिसका रस जल गया है, जिससे दुर्गंध आती हो, जितने दुर्गंधित पदार्थ है, मांस है, मछली है, शराब है, लहसुन प्याज बहुत बड़ी औषधि है, औषधि के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन स्वाद के लिए यदि आप इसको तल भून कर खाते हैं तो तमोगुण अवश्य पैदा होगा। आप मिर्च की मात्रा बढ़ा दें अधिक तो वो भी तामसिक हो जाता है। अल्प मात्रा में वो रजोगुणी है,
अधिक मात्रा में तमोगुणी है। और तमोगुणी भोजन करने वाला व्यक्ति ज्ञान तो ग्रहण कर लेगा मस्तिष्क के द्वारा, लेकिन जो भाव प्रधान हृदय है वो बंद रहेगा, वो आंखें बंद करके ध्यान में भी बैठे रहेगा तो चौपाइयां याद करता रहेगा, देखते रहेगा कि 64 स्तंभ है कि क्या है क्या, बुद्धि की दौड़ में रहेगा। उसके उसके नेत्रों से कभी विरह के आंसू नहीं बहेंगे, क्योंकि हृदय रूखा है, हृदय कठोर है, क्रूरता है, और इसलिए सब कुछ पढ़ा हुआ भी निरर्थक हो जाता है। जैसे तीर है, तीर को अभी सामने केले का वृक्ष दे रहा है, दिख रहा है, उस पर तीर छोड़ी जाए तुरंत धस जाएगा, क्योंकि केला कठोर एक कोमल तने वाला है। और उसी तीर को एक दीवार पर, पत्थर की दीवार पर हम मारते हैं तो दीवार को नहीं छेद पाएगा, बहुत होगा तो थोड़ी सी खरोंच लगाकर वही तीर वहीं गिर पड़ेगा। यदि आपका हृदय तमोगुण की के कठोर आवरण से घिरा है तो उसमें भक्ति की धारा नहीं प्रवेश कर सकती। ज्ञान मस्तिष्क में तो चला जाएगा, बुद्धि में प्रवेश नहीं करेगा। यदि ज्ञान बुद्धि में प्रवेश करेगा, मैं एक ही बात को कह रहा हूँ, आप सोचते हैं कि मस्तिष्क और बुद्धि अलग अलग है, तो अवश्य अलग अलग है। मस्तिष्क कार्यशाला है और बुद्धि मस्तिष्क को नियंत्रण करने वाला कारक है। मस्तिष्क स्थूल शरीर है और बुद्धि कारण शरीर है। कारण शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर के बाद स्थूल शरीर होता है। मस्तिष्क तो स्थूल शरीर का अंश है, इसलिए जो बुद्धि में चीज आएगी वो हमारे चित्त में आ जाएगी। भैरव सेठ को भी कई बार किसी ने मना किया होगा कि नहीं तुम ये शराब मांस का सेवन करते हो गलत है, लेकिन वो मस्तिष्क में रखता था। हृदय में चोट कब लगती है? जैसे मैंने अभी आपको अमित चंद का उदाहरण दिया, अमित चंद को क्या किसी ने टोका नहीं होगा कि अमित चंद तुम शराब मांस का सेवन करते हो, पर स्त्री गमन करते हो, ये बुरे कर्म है। वो जानता भी है, लेकिन किससे जानता है? मस्तिष्क से जानता है, बुद्धि से नहीं। और बुद्धि कब शुद्ध होगी? जब आहार शुद्ध होगा। उपनिषद क्या कहते हैं? आहार शुद्ध हो सत्य शुद्धि ध्रुव स्मृति स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथिनाम भी प्रमुख। आहार की शुद्धि से बुद्धि की शुद्धता होती है, बुद्धि की शुद्धता से स्मृति ध्रुव होती है, अटल होती है। जैसे मैं आपको एक एक चीज विस्तार करके बताता हूं। आप परमधाम को भूल गए हैं, क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा जिस जीव पर बैठी है उस जीव ने कभी परमधाम के बारे में सुना नहीं। आपकी परात्म पर फरामोशी है। परात्म का दिल आत्मा के रूप में जीव पर बैठकर खेल को देख रहा है और उसकी स्मृति का लोप हो गया है। मैं आपको एक दृष्टांत से समझाता हूँ। कुछ वर्ष पहले राधा कृष्ण का सीरियल चला था, उसमें दर्शाया गया है कि गोलोक से जो राधा आती है इस माया के संसार में आने के बाद भूल जाती है कि गोलोक भी है कृष्ण भी है। कभी कभी कृष्ण उसको गोलोक का भी अनुभव कराते हैं, लेकिन उसको श्राप है राधा को कि तुम्हें गोलोक की स्मृति नहीं रहेगी, कृष्ण की स्मृति नहीं रहेगी। कृष्ण के साथ रहती है, कृष्ण उसको जगाना चाहते हैं, लेकिन स्मृति नहीं जागती। क्यों? क्योंकि माया का असर है। माया क्या है? सत्य रजतम का संसार ही तो माया है। त्रिगुणातीत अवस्था में आपको परमधाम दिखने लगेगा, लेकिन तमोगुण का गहरा प्रभाव होगा तो कहाँ से सब कुछ होगा। आप देखिए, शिव जी के साथ 5000 की जमात पन्ना जी में पहुँचती है, सबका एक ही स्तर तो नहीं है, राज्य एक हैं। महामती जी के धाम हृदय में बैठ कर वही चर्चा कर रहे हैं, सबके राज्य कौन है श्री जी उस समय, सबको एक ही चर्चा सुनाई जा रही है, लेकिन सबके संस्कार अलग अलग हैं। लालदास जी का, भीम भाई का, ये मुकुंददास जी का, परमानंद जी का, छत्रसाल जी का, है सारे ब्रह्मुनि, सबकी आत्मा एक जैसी है, लेकिन सबका जीव एक जैसा नहीं है। हाँ, ये सत्य है, आप कह सकते हैं कि सबको भोजन तो एक जैसा ही मिलता है, निश्चित है कि सबको एक जैसा भोजन मिल रहा होगा, लेकिन
वहाँ कौन कितनी साधना में अपनी प्रगति करता है, भोजन की मात्रा को कौन कितना किस तरह से ग्रहण करता है, उस पर भी निर्भर करता है कि हमने सतोगुण को कितना आत्मसात किया। जैसे अभी नवरात्र विधि लोग उपवास रखते हैं, सवेरे आधा लीटर दूध पी लिया, दोपहर को 2 किलो फल खा लिया और शाम को आधा किलो ये पकौड़े बनाकर खा लिए और रात को सिंघाड़े के आटे की पूड़ी बनाकर खा ली, तो कैसा उपवास हुआ? कहने को तो आप उपवास कर रहे हैं, और भैंस का दूध आधा लीटर खूब गरम गरम पी ले तो कौन सी उससे सात्विकता पैदा होगी? सात्विकता नहीं मिल रही। मैंने वैष्णव को देखा है, कहेंगे कि हम तो फलाहारी हैं और फलाहार की सब्जी बनाएंगे तो उसमें खूब कई मिर्चें डाल देंगे, तो कौन सा फलाहार हुआ? तुमने तो अपने स्वाद के लिए खूब नमक भी डाला है, खूब मिर्ची डाली है। तो वैसे ही यही कारण है कि 5000 सुंदर साथ श्री जी के साथ रह रहे हैं, लेकिन सबको मेहर सब पर महबूब की पर पावे करनी माफक, ये हमारे ऊपर है, हमारे जीव के ऊपर है। इसलिए श्री जी बार बार अब जयराम कंसारा को प्रबोधित कर रहे हैं, लेकिन सिखापन किसके लिए? हमारे आपके लिए। हम सुंदर साथ भी वाणी पढ़ते हैं, सब एक साथ रहते हैं, लेकिन जिसके हृदय में विरह का रस होगा, जिसके हृदय में अटूट समर्पण होगा, अटूट प्रेम होगा, अर्स रूह का यही लक्षण अंदर बाहर नहीं दो, जो जवान पर हो वही दिल पर हो, तो समझिए ब्रह्मात्मा है। यदि हमने ऐसा कर लिया, जैसे अभी मैं आपको एक दृष्टांत दे रहा था, कोई नींद से क्यों नहीं जागता है? हम सुंदर साथ को तो जग जाना चाहिए, चितवनी सबको कराई जा रही है, वाणी सभी पढ़ रहे हैं, फिर भी नहीं जग रहे हैं, क्या कारण है? सभी एक साथ क्यों नहीं जग रहे हैं? क्योंकि सबके चित्त की स्थिति अलग अलग है, बुद्धि की स्थिति अलग अलग है, मन की स्थिति अलग अलग है। चित्त में किसी के पूर्व जन्मों के विकारों का किसी का ज्यादा असर है, किसी का कम है, किसी का हृदय निर्मल है, किसी का कम है। अब हमारे ऊपर निर्भर करेगा कि हम जितनी अधिक से अधिक हम अपनी सात्विकता की वृद्धि कर ले। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अन्न भी छोड़ दीजिए, केवल पानी ही पानी पीजिए कि सात्विक बन जाए। आप विवेक लीजिए ज्ञान से, वाणी का प्रकाश जितना आप गंभीरता से पढ़ेंगे आपके हृदय में विवेक जागृत होता जाएगा। भोजन की मात्रा इस तरह से कीजिए। एक सज्जन मेरे लिए बहुत अमृत वचन बोला करते थे, अब नहीं बोल रहे हैं, अब उनका व्यवहार अच्छा हो गया है। उनसे किसी ने पूछा कि तुम राजन स्वामी को बार बार गाली के शब्द क्यों बोलते हो? उस व्यक्ति का कहना था कि वो हमको अचार खाने से क्यों मना करते हैं? अरे भाई तुम खाओ, मैं क्यों किसी को मना करूंगा? यदि कोई व्यक्ति खूब खट्टे आम की अचाई अचार खाएगा, खूब तिखी तिखी मिर्चों का अचार खाएगा, तो ठीक है, जितनी चरचनी रटा रहेगा बस याद करता रहेगा, उसका हृदय कहाँ चितवनी के प्रेम में डूब पाएगा? चितवनी में बैठा तो रहेगा आंखें बंद करके, दूसरों को बता देगा कि मैं 1 घंटा बैठता हूँ, मैं इतने घंटे बैठता हूँ, लेकिन प्रेम कहाँ से आएगा? पंथ होवे कोट कला प्रेम पहुंचावे मिने पलक। रावण ऋषि नहीं बन सका, चारों वेदों को रट करके भी, ब्रह्मा जी ने भी चारों वेद पढ़े थे, लेकिन उनको ब्रह्मा को महर्षि कहा गया, उन्होंने ऋषियों को ज्ञान दिया, रावण से किसी ने वेद नहीं पढ़ा। रावण चारों वेदों का विद्वान होकर भी सबकी हत्या करता रहा, मांस खाता रहा, शराब पीता रहा, कुबेर की पत्नी की जबरन अस्मिता लूटी थी तो उसको श्राप दिया था कुबेर ने ये कुबेर के पास रंभा को जाना था और रावण ने उसका सतीत्व भंग किया, तो कुबेर के एक भाई या रिश्ते में थे, उन्होंने श्राप दे दिया कि रावण आज से जबरन तुम किसी महिला की अस्मिता को लूटने का प्रयास करेगा तो तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए सीता के साथ वो जबरदस्ती नहीं कर पा रहा था, नहीं तो सीता की भी अस्मिता लूट लेता। आप सोचिए, जो चारों वेदों का विद्वान है वो सीता की भी अस्मिता लूट सकता था यदि उसको श्राप नहीं मिला था होता तो, और उसको मालूम था कि यदि मैंने सीता का जबरन कुछ भी किया, हाथ भी पकड़ा जबरदस्ती से गलत पाप से,
तो मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं है कि रावण बहुत धर्मात्मा हो गया था। लोग कहते हैं कि रावण सीता को अपने पास रखकर भी पाप नहीं की पाए, वो तो मजबूरी थी उसकी, क्योंकि उसका आहार तामसिक था, ज्ञान भी उसको जगा नहीं सका क्योंकि उस पर पाप का आवरण इतना पड़ जाता है। जब तमोगुण की प्रबलता हो जाती है, जैसे मैं आपको दृष्टांत देता हूं, मैं हूं, आप हैं, कोई भी प्रवक्ता किसी से कहिए कि क्रोध न करने के ऊपर प्रवचन दे दे, खूब अच्छा से दे देगा, रट्टा लगाकर कहेगा क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करने से शरीर में ये विष होता है। लेकिन उसको यदि तामसिक भोजन मुझे ही दे दिया जाए तो मुझे भी क्रोध आ जाएगा। मैं जानता हूं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे ही भोजन में तमोगुण जाएगा हमारा मस्तिष्क वैसा ही हो जाएगा, हमारी बुद्धि पर आवरण पड़ जाएगा। इसलिए योग दर्शन का एक सूत्र होता है, सत्व पुरुषयो शुद्ध साम्यक कैवल्यम। सत्व पुरुषयो, सत्व का अर्थ होता है बुद्धि, सत्व पुरुषयो बुद्धि और जीव की निर्मलता जब हो जाती है तो कैवल्य की प्राप्ति होती है। बुद्धि की निर्मलता कैसे होगी? सृष्टि में पहला पदार्थ बुद्धि है, इसलिए लोग क्या करते हैं, जड़ों में पानी देते हैं। यदि मैंने अभी आपको दृष्टांत दिया था, पापी कौन कहलाएगा? जैसे अभी आपने सोचा, अभी आपने सुना भूंडा जीव जाचे रे, कोई व्यक्ति शराब पीता है तो आप क्या कहेंगे, ये तो बहुत पापी है। मांस खा रहा है तो क्या कहेंगे, बहुत बड़ा पापी है। कोई भी बुरे कर्म करने वाले को आप पापी सरलता से कह देते हैं, लेकिन सोचिए वो बेचारा पाप क्यों कर रहा है। अंगुलीमाल ने भी तो पाप किया था, अंगुलीमाल का पाप कितना भयंकर था, 999 व्यक्तियों की हत्या करके उनकी अंगुलियों की माला बनाकर पहना था और अपनी सगी माँ को कहा था कि देखो माँ, सूर्यास्त तक यदि कोई नहीं मिला तो तेरी गर्दन कटेगी। अपनी सगी माँ को भी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और माँ भी भाग रही है कि मेरा सगा बेटा मेरी गर्दन काटकर मेरी अंगुलियों की माला बनाकर पहनना चाहता है, कितना क्रूर रहा होगा। और उसको जब बुद्ध का सामना होता है, बुद्ध के शब्द उसके हृदय में चुप जाते हैं, हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है, तो परिणाम वो वही अंगुलीमाल फूट फूट कर रोता है। अब आप सोचेंगे कि बुद्ध के शब्दों का असर हो गया, औरों पर औरों के कथनों का क्यों असर नहीं हुआ? सगी माँ समझा रही है तो कह रहा है कि नहीं मैं तुमको ही काटूंगा। बुद्ध को क्यों नहीं काट पाया? क्योंकि बुद्ध के पवित्र आभा मंडल में आते ही उस तमोगुण का जो प्रभाव था वो कम होता है। तमोगुण के प्रभाव कम होते ही जो बुद्ध कहते हैं, बुद्ध चलते जा रहे हैं, अंगुलीमाल कहता है कि कहाँ भाग रहे हो सन्यासी, लगता है तुम मेरे से डर कर भाग रहे हो, ठहरो। बुद्ध कहते हैं कि अंगुलीमाल मैं ठहरा हूं, संसार भाग रहा है, तू भाग रहे हो। कहने का तात्पर्य क्या था, मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं, तू स्थित नहीं है इसलिए तू भाग रहा है। अब वो समझता नहीं, तलवार उठाता है, बुद्ध कहते हैं लो काटो। वो सोच रहा है कि ये पहला व्यक्ति है जिसको जरा भी डर नहीं है, यहाँ का राजा प्रसेनजीत मेरे से भय खाता है, सेना लेकर मुझे पकड़ना तो चाहता है लेकिन मेरे सामने आने का उसका साहस नहीं, मुझे जन्म देने वाली माँ भाग रही है कि मुझे मार डालेगा और ये मेरे पास आकर कहता है लो मारो मुझे। उसके हृदय में बात चोट कर जाती है, फूट फूट कर रोता है, तलवार फेंक देता है बुद्ध के चरणों में। क्यों? हम 18,758 चौपाइयाँ पढ़ पढ़ करके कितने उम्र के कितने वर्ष गंवा देते हैं, हमें चोट क्यों नहीं लगती? वाणी कहती है एक गुण जो याद आवे तो तभी उड़े अरवा। हमारे लिए तो प्रकाश हिंदुस्तानी में पूरा एक प्रकरण ही है कि राज्य के गुण क्या है। और महामती जी ने बताया है कि 14 लोगों की धरती को निराकार तो को मैं कागज बना लूँ, सातों समुद्रों की जल को स्याही बना लूँ। जितनी 14 लोगों में वनस्पतियाँ हैं उसकी नोक उनकी मैं कलम बनाऊं और नोक इतनी पतली हो कि जैसे कथुए के पैर से भी बारीक उसकी नोक हो, एक लिखकर आगे शून्य शून्य लिखते जाऊं तो भी राज्य के गुणों का। कितने समय तक? अब तक जितनी बार प्रलय हुए होंगे और सृष्टि बनी होगी उतने समय तक लिखती रहूं तो भी राज्य आपके गुणों की पार नहीं हो सकता। हम पढ़ते तो हैं लेकिन कौन राज्य के लिए अपना त्याग करना चाहता है?
आप चर्चा सुन रहे हैं, कल से आपका भी ध्यान बदल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे कहने पर 2 घंटे राज्य के लिए देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि किसी की खेती का नुकसान होगा, किसी को पैसे की कमाई का नुकसान होगा, सब कुछ होगा। सब जानते हैं कि ये सब नश्वर है, लेकिन क्या कोई छोड़ने के लिए तैयार है? क्योंकि नींद ने जकड़ रखा है। कैसी नींद है? छोटा बच्चा सवेरे सो रहा होता है, विद्यालय जाने का समय होता है, माँ कहती उठ जाओ, कहता है कि मैं उठा ही तो हूँ। अधखुली आंखों से देखता है कि माँ कमरे में गई, फिर लेट जाता है। माँ फिर डांटती है, उठ करके डर के मारे बैठता है, फिर नज़र बचाकर सो जाता है, क्योंकि अंदर में नींद है, ऊपर से जगाया जा रहा है। वाणी कहती है, हल्के हल्के जगावत ऊपर करत बहुतक शोर। राज्य कितना शोर कर रहे हैं, जगो जगो। ग्रंथन में जागने का प्रकरण है, कलश में जागने का प्रकरण है। अभी आप रास ग्रंथ जो पहला ग्रंथ है, इसके तीसरे प्रकरण में आप सुन रहे हैं, बूढ़ा जीव जाग जे रे, ऐ पापी जीव तू जग जा। ये कहना पड़ रहा है किसको? स्वयं अक्षरातीत को, हम सब सुंदर साथ के लिए। काई धनी तने चरण पसाय, मेरे जीव तू धनी के चरणों में जा। देखिए, निर्मल होने के लिए क्या है? सर्वस्व समर्पण। जहां आपका सारा प्रयास व्यर्थ हो जाए, आप सात्विक आहार करते हैं फिर भी मन में आपके विकारों ने प्रवेश किया है, आप खूब वाणी पढ़ते हैं फिर भी मनों से विकार नहीं जा रहे हैं, आप चितवनी भी कर रहे हैं फिर भी विषय वासनाओं की ज्वाला धधक रही है, तो आप समर्पण की भाषा सीखिए। सोने से पहले आप राज्य का ध्यान कीजिए और शुद्ध हृदय से कहिए कि राज्य मुझे निर्विकार कर दीजिए और कुछ न मांगिए। आप शुद्ध हृदय से पूर्ण समर्पण के साथ कि मेरी शक्ति का कोई बस नहीं है, जिस दिन से आप सच्चे हृदय से राज्य से मांग करेंगे कि मम प्राणिस मम हृदय अगच्छ, राज्य मेरे हृदय में आ जाओ, मुझे निर्विकार कर दो, राज्य घुमा फिरा कर किसी न किसी रूप में एक दिन आपको निर्विकार कर ही देंगे। इसलिए कहा है, काई धनी तड़े चरण पसाए, मेरे जी तू धनी के चरणों में जा, अपना सर्वस्व समर्पण कर। समाधि की प्राप्ति किसको होती है? जब तक आपके हृदय में समर्पण नहीं होगा, आपको समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती। चाहे लाख साल तक आप गुफा में बैठ करके ध्यान करते रहिए, अहंकार आपको समाधि में नहीं पहुंचने देगा। जिसने अपना हृदय दे दिया राज्य के लिए, उसके लिए समाधि में पहुंचना कठिन नहीं है। हम राज्य को अपना हृदय कभी नहीं देते हैं, ठीक है, जरूर कह देंगे तन मन जीव निछावर के नो महामत चरणों लगा। हमारा तन मन जीव निछावर है, निछावर करने की बात करते हैं, निछावर कोई नहीं करता। इसलिए कहते हैं, काई धनी तणे चरण पसाए, में ये ऐ जीव तू धनी के चरणों में जा, अपना तू सर्वस्व उनको सौंप दे। तू भरम उड़ाड़ जे रे, यदि तू ऐसा करता है तो तेरा भ्रम दूर हो जाएगा। धनी के चरणों की सानिध्यता, धनी के चरणों के प्रति प्रेम, अटूट समर्पण, अटूट विश्वास, अटूट प्रेम, अटूट पुरुषार्थ, ये 4 चीजें होनी बहुत जरूरी है। और ये किसकी नींव पर होगा? सात्विक आहार की। यदि आपका आहार सात्विक नहीं है तो इन सारी बातों को भूल जाएंगे आप। जैसे आपको ऐसी सब्जी बना देकर खिलाई जाए जिसमें 8-10 खूब तीखी मिर्चियाँ हों, खूब लहसुन की पूरी गांठ हो, प्याज भी हो, गरम मसाले भी हो, और उसके साथ खूब गरम गरम काफ़ी पिला दिया जाए, तो ये सारी बातें याद रहेंगी, मूल मिलावा भी याद रहेगा, सब कुछ याद रहेगा। मैं मांस और शराब की बात नहीं कर रहा हूँ, मांस शराब वाला तो कभी ध्यान के बारे में सोच भी नहीं सकता, पढ़ लेगा, व्याख्या कर देगा। मुझे याद है हमारे विद्यार्थी जीवन में हमारे जो प्रिंसिपल थे, वेद बहुत पढ़ते थे लेकिन जानते हैं शराब भी पीते थे। प्रवचन करवा लीजिए, बहुत अच्छा प्रवचन कर देते थे, वेदों के मंत्र उद्धृत करते थे, दर्शन शास्त्र पढ़ते थे, लेकिन रात को शराब पीते थे। जानते सब हैं लेकिन कभी भक्ति भाव में डूब नहीं पाए। योग दर्शन की पूरी व्याख्या कर देंगे, कौन समाधि होती है,
मुझे भी उन्होंने सुनाया था कि देखो योग योग के इतने अंग होते हैं, इतनी समाधियां होती हैं, लेकिन पूछा जाए क्या आपने 10 मिनट भी बैठकर ध्यान किया है? तो केवल ज्ञान को ग्रहण कर लेना महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान को कहना महत्वपूर्ण नहीं है। जब मैं बात कहता हूं तो सुंदर साहब को लगता है कि एक तरफ राजेंद्र स्वामी कर्मकांड का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ भोजन का कर्मकांड क्यों थोपते हैं। ये कर्मकांड नहीं है, ये आपकी आधारशिला है, ये नींव है। कोई भी भवन तभी मजबूत खड़ा होगा यदि उसकी नींव मजबूत होगी। मैंने आपको बताया कि रावण को एक ऋषि होना चाहिए था क्योंकि वेद के ज्ञान में राम से कई गुना आगे था, लेकिन राक्षस कहलाया, राक्षसों का राजा कहलाया। उसका आहार शुद्ध नहीं था, उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को भी खुश कर लिया था, तप तो कुंभकर्ण ने भी किया था और विभीषण ने भी किया था, लेकिन कुंभकर्ण भी उस तप के बदले ब्रह्मा जी को खुश करके क्या मांगता है आपको मालूम है। रावण भी क्या मांगता है, हिरण्यकश्यप क्या मांगता है, सभी ने शक्ति मांगी क्योंकि उनकी बुद्धि में ही पाप था। इसलिए यदि आप आहार की सात्विकता नहीं रहेंगे, आपके हृदय में सात्विक भावों का प्रवेश नहीं होगा, भक्ति भाव नहीं जगेगा, विरह का प्रस्फुट नहीं होगा, विरह नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिनार, सुहागिन आत्म पीव की वतन पार के पार, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई राज्य के विरह में तड़पने वाला ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त कोई नहीं। आप तीर्थों में चले जाइए, तपस्वी मिलेंगे, योगी मिलेंगे, यति मिलेंगे, सन्यासी मिलेंगे, ज्ञानी मिलेंगे, लेकिन विरहीन नहीं मिलेगा। विरहीन का अर्थ क्या होता है, जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है वैसे हमारा हृदय राज्य के लिए तड़पने लगे, तभी कलश में कहा है विरह गति रे जाने सोई जो मिलके बिछड़ी हो, या मीन बिछड़ी जलते या गति जाने सोई। उस मछली से पूछिए कि जब उसको पानी से निकाला जाता है तो उसकी हालत क्या होती है। विरह की पीड़ा वो जानती है जो मिलके बिछड़ी हो। परम धाम की ब्रह्मात्मा अनादिकाल से राज्य के प्रेम की सानिध्यता में रही है, उसको माया के अंदर वियोग का अनुभव होता है, तारतम ज्ञान का प्रकाश होता है। जिसकी परात्मा होगी वह तो विरह में तड़पेगा क्योंकि परात्म का संस्कार आत्मा में रहेगा। जैसे जो व्यक्ति पूर्व में कोई कार्य किया होता है उसका संस्कार उसके चित्त में होता है। एक चोर था, महात्मा बन गया था, महात्मा के कपड़े तो पहन लिया था लेकिन संस्कार था चोर का। तो रात को जब सभी महात्मा सोए रहते थे तो एक का बर्तन उठाकर दूसरे के पास जब तक रखता नहीं था उसको नींद नहीं आती थी क्योंकि सारे जीवन उसने चोरी का कार्य किया था, संस्कार को नहीं छोड़ पा रहा था। तो स्वाभाविक है जो परम धाम की ब्रह्मात्मा है भले ही अपने मूल तन को भूली है, लेकिन जो कभी भूली वतन तो भी नजर तहां निदान, ब्रह्म सृष्टि को संतोष नहीं हो पाएगा। ब्रह्म सृष्टि को कितना भी उसे देवी देवताओं की पूजा कराइए, कर्मकांड कराइए, कर देगी, तारतम ज्ञान का प्रकाश नहीं मिला होगा तो, लेकिन हृदय से एक आवाज आती रही कि मेरी मंजिल नहीं है, मुझे संतोष नहीं हो रहा है, उसको कब सुकून मिलेगा, कब हृदय को शांति मिलेगी, जब वो राज्य के चरणों में जाएगी, राज्य के लिए विरह में अपने कुछ आंसू बहा देगी, तब उसको लगेगा कि हाँ मुझे अपनी मंजिल मिल गई है। इसलिए इस मायावी जगत में हमें परम धाम की ब्रह्मवाणी मिली है, ये हमारे जीवन का सौभाग्य है। स्वयं मिहिराज के तन से अक्षरातीत ने लीला की, उनके धाम हृदय में बैठे, हमसे में 6 महीना विरह में तड़प करके हमारे लिए एक मार्ग दर्शाया कि विरह क्या होता है। मैंने कई बार चर्चा में दर्शाया है, आज पुनः कह रहा हूं कि जैसे पतंगा विरह की व्याख्या नहीं कर सकता वैसे विरह को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। दीपक को देखते ही पतंगा अपने को उस पर निछावर कर देता है कि यदि मेरा सुहाग नहीं तो मैं क्यों। आप देखिए हम सुंदर साथ राज्य से हर पल सामीप्यता का अनुभव तो नहीं कर रहे हैं। सच पूछा जाए तो क्या हमारे अंदर प्रेम है,
नहीं, हमारा प्रेम किससे है हमें अच्छी तरह से मालूम है। हमारी जो आसक्ति है, लगाव है, हमारे घर में, पति पत्नी में, बच्चों में, संगे संबंधियों में, और तो और संसार के सुखों में, क्या हमने कभी सोचा है कि हौजगोसर में राज्य के साथ जल क्रीड़ा का आनंद क्या होगा, मानिक पहाड़ के झूलों में झूलने का आनंद क्या होगा, पश्चिम के चौगान में क्रीड़ा का सुख क्या होगा, चांद चौदहवीं रात को हौजगोसर के टापू महल की चांदनी पर बैठने का सुख क्या होगा, पूर्णिमा की रात को रंगमहल की चांदनी पर बैठने का सुख क्या होगा, क्या हमने कभी सोचा है, या इसके लिए हमें कभी पीड़ा होती है? हम पत्नी को फोन नहीं कर पाते हैं तो इसकी याद आती है, दोस्त को फोन नहीं करते हैं तो याद आती है, पत्नी को पति की याद आती है। संसार के लिए तो थोड़ा बहुत हम व्याकुल हो जाते हैं, क्या राज्य के लिए भी सचमुच व्याकुल होते हैं? हमको कुछ मंत्र रटा दिए गए हैं, कुछ पाठ के लिए चौपाई दे दी गई है, कुछ कर्मकांड की विधियां कर लेते हैं बस छुट्टी। जैसे हमारे घर कोई अतिथि आता है तो क्या करते हैं, उसके सामने दो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कुछ खाने को रख देंगे और कहेंगे कि क्षमा कीजिएगा मुझे थोड़े एक जरूरी काम है, क्योंकि हम मालूम है कि अतिथि महोदय को खाना खिलाकर कमरे में सुला देना है, फिर हम किसके साथ समय गुजारते हैं, अपने ही घर वालों के साथ जिनके साथ हम सालों से रह रहे हैं। यदि अतिथि महोदय ने कहा होगा कि दो दिन रहने वाले हैं और कह दें कि कुछ जरूरी काम आ गया है, 10 दिन मुझे रहना पड़ेगा, तो हमें कैसा लगता है कि ये तो कहाँ से बला आ गई, ये कब चले जाए, कहेंगे नहीं, लेकिन हमारा दिल बता देता है, क्योंकि उस अतिथि से हमारा प्रेम नहीं है, एक मर्यादा है। उसी तरह से राज्य को तो हमने अतिथि बनाकर ही घर पर तो रखा है ना, हम अपने लिए बहुत बड़ी कोठी बनाते हैं, राज्य के लिए एक छोटा सा कमरा बनाते हैं, वाणी पधरा देते हैं, क्या कहते हैं, हमने राज्य को पधरा दिया, राज्य आपके आ गए। राज्य के लिए कितना समय देते हैं, जो आपके हृदय में आपका प्राणेश्वर है उसके लिए कितना दर्द है। आप संगे संबंधियों से प्रेम करते हैं, पत्नी से लगाव रखते हैं, पति से लगाव रखते हैं, बच्चों से लगाव रखते हैं, आप अपने हृदय से पूछिए जितना लगाव संसार के रिश्तों के लिए रखते हैं उसका 10वां या 5वां अंश भी राज्य के लिए है? आप कह देंगे कि है, ऐसा थोड़े है कि हम राज्य के इसके प्रति प्रेम नहीं होते तो वाणी पर हम नहीं पढ़ते, चितवनी हम नहीं करते। आप तो जैसे अतिथि को खुश किया जाता है वैसे ही औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। जिस दिन सच्चा प्रेम हो जाएगा, अटूट समर्पण, काई धनी तड़े चरण पसाए तू भरम उडाजे रे, ऐ मेरे जी तू धनी के चरणों में अपना सब कुछ सौंप दे, क्योंकि तुझे अब सुहागिन बनना है। मेरे जीव सुहागी रे तू क्यों न करे पीसो बेचा। तू तारतम वाणी का प्रकाश पा और तारतम वाणी के प्रकाश में तू अपने को जान कि तू कौन है। पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद तुम्हें जगाने के लिए आए, तुम्हारे लिए परम धाम की ब्रह्म वाणी देंगे। मिराज को भी प्रायश्चित होता है, मेरी सैयल रे सा आए थे मेरे घर। जब मेरा प्राणेश्वर सतगुरु के धाम हृदय में विराजमान था तो मेरी आंखें उसकी पहचान नहीं कर सकी, तभी बिलक बिलक रोना पड़ता है, ओई ओई करती फिरूं और करी करूं हाय हाय रे। सबके जीवन में घड़ियां आती हैं, हमारी उम्र बाल्यावस्था को पार कर किशोरावस्था में प्रवेश करती है, युवक हम बनते हैं, पुनः गृहस्थी का बोझ आता है, हम अधेड़ अवस्था के होने लगते हैं, हमारी उम्र जब 90 को हो जाती है तो वयोवृद्ध हो जाते हैं, आंखों से दिखता नहीं, चला जाता नहीं, बालों में सफेदी होती है, फिर भी संसार का मुंह हमसे छूटता नहीं। ऐसा ऐसा न जाने लाखों करोड़ों बार हम कर चुके हैं, फिर भी वो आदत है कि सुधरती नहीं। तभी इस अज्ञानता की नींद से जगाने के लिए राज जी हमको प्रबोधित कर रहे हैं, भूटा जी जागजे रे काई धनी तड़े चरण पसाए तुम भरम उडारजे रे। है एक चौपाई, इसको केवल एक शब्द को याद कर लीजिए, भूटा जी जागजे रे, ऐ मेरे जी जाग जा। ऋषियों ने भी प्रबोधित किया है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य ब्राह्मी बोधे, छुरस्य धारा निस्ता दुर्त्या दुर्गम पदा तत् कवि उपदंति। मनीषी जन क्या कहते हैं,
छुरस्य धारा निस्ता दुर्त्या, ये अध्यात्म का मार्ग छुरे की धार पर, तलवार की धार पर चलने के समान है। लेकिन तुम्हें जगना होगा, उत्तिष्ठत उठ जाओ, जागृत जग जाओ, प्राप्य बरानी बोध्यत और परम धाम के और परम तत्व को प्राप्त करो। इतना आदेश ऋषियों ने कह दिया है, क्योंकि तुम कौन हो? तुम अमृत पुत्र हो, तुम हड्डी मांस के पुतले नहीं हो। तुम जो विषयों के प्रति ललचते हो, एक चुटकी तम्बाकू के लिए तुम व्याकुल हो जाते हो, एक बीड़ी के लिए व्याकुल हो जाते हो, एक शराब की घूंट तुम्हें व्याकुल कर देती है, अफीम का नशा तुम्हें व्याकुल कर जाता है, ये क्या है? ये तो नश्वर पदार्थ है। तुम सोचो कि तुम कौन हो? यदि संसार के जीवों के लिए इतना ऊंचा उपदेश है तो परम धाम की आत्माओं को क्या करना पड़ेगा, जिनको जगाने के लिए अक्षरातीत मीराज के धाम हृदय में विराजमान होते हैं। मैंने परसों भी कहा था, कहाँ कहाँ से चलते हैं, हमें जगाने के लिए पैदल चलते हैं, बैलगाड़ी पर बैठते हैं, वनों में भटकते हैं, अरब की रेतीली धरती पर भटकते हैं, धूप शीत वर्षा का कष्ट वो झेलते हैं, भिक्षा में मिले हुए अन्न को वो ग्रहण करते हैं, और आप और हम तो घरों में बैठकर सारा सुख लेते रहते हैं। इसलिए यदि उनकी वाणी को पाने के बाद भी हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं, ये छोटी सी जीवा आप देखिए, ये स्वादेंद्री भी है और बोलने का भी काम करती है। यदि हृदय में कड़वाहट है, हमने कटुता के शब्द बोल दिए, तो सिर पर डंडे भी ये मरवाती है और खुद छिपी रहती है। ये खुद रसों का सेवन करती है और जीव को अंधेरे में भटकाती रहती है। ये जीवा के अधीन होकर ही तो जीव परम तत्व को प्राप्त नहीं कर पाता। जब चितवनी शिविर रतन सरसावा में लगते थे, अब तो बहुत कुछ बदल गया है, पहला शिविर लगा तो भोजन तो सात्विक मिलता है, वहाँ मिर्च तो मिल नहीं सकती थी। कुछ रात के जो सुंदर साथ गए वो तड़प गए कि यहाँ तो घास पात खाना पड़ता है। तो कई बड़ी बड़ी हस्तियाँ भी थी, वो कमरे में छिपा कर प्याज भी खाती थी, मिर्च भी खाती थी, क्योंकि पंक्ति में तो खाने को नहीं मिलेगा। उनको ये लगता था कि स्वामी जी को थोड़े पता चलेगा, हम तो छिप कर खा रहे हैं। अरे भाई खाओ, लेकिन निश्चित है वो ध्यान में तो बैठते थे, ध्यान उनका लग नहीं सकता था। गुजरात में बहुत श्रद्धा भावना है, सेवा भावना है, सब कुछ है, लेकिन रजोगुण को छोड़ नहीं पा रहा है गुजरात का सुंदर साथ। इसलिए यहाँ से कोई परमहंस जल्दी नहीं बनता, कोई महान विद्वान नहीं बनता, सब कुछ किया कराया समाप्त हो जाता है। इसलिए गुजरात को आगे बढ़ना होगा तो भोजन में तो सुधार करना ही पड़ेगा। मैंने सारे उदाहरण आपको बता दिए। यदि चाहते हैं कि राज्य का कुछ अनुभव हो, तो आप प्याज को डूंगरी कहते हैं, जो भी कहते हो, ये वैष्णव लोग क्या करते हैं, मिर्च को लंका कहते हैं और नमक को रामरस कहते हैं। है तो रामरस तो है नहीं, और प्याज को राम लड्डू कहते हैं और खूब खाते हैं, छिप करके खाते हैं। मैंने जंगलों में वनों में देखा है जहाँ सूर्यास्त के बाद कोई जा नहीं सकता, मैंने उन वनों में महात्माओं को ये सब प्याज मिर्चा खाते हुए देखा है। ये छोटी सी जीवा उन बेचारों को कितना परेशान कर रही है जो घर द्वार छोड़कर जंगल में रहे हैं। लेकिन हाय रे तृष्णा, तो जंगल में भी पहुंचकर महात्माओं को परेशान कर रही है। गुजरात का सुंदर साथ बहुत भावुक तो है, लेकिन यदि अपनी जीवा को नहीं जीतेगा तो सतगुण की अवस्था को प्राप्त नहीं हो पाएगा। वो वाणी तो पड़ेगा, रात रात को गरबे तो गाएगा, नाचेगा कूदेगा, सेवा पूजा करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन शरीर छोड़कर चितवनी में नहीं डूब पाएगा तो भ्रम की निद्रा का नाश नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरे शब्द कुछ जरूर कठोर हो जाते हैं, लेकिन अंतर मन से विचार करेंगे तो जैसे त्रिफला देखते हैं ना, बहुत कड़वा लगता है, लेकिन त्रिफला का जो 12 वर्ष सेवन कर लेता है उसका कायाकल्प भी हो जाता है। इसलिए आप किसी भी स्थान पर जाएंगे तो आपको अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ मिलते हैं। सरसावा या पन्ना, जहाँ भी ज्ञानपीठ से जुड़ी हुई कोई भी संस्था होगी, वहाँ तो ये सब मिल नहीं पाता। हाँ जानता हूँ, चोरी छिपे मिर्च से भी करा करके अपनी मनपसंद भोजन गुजरात का सुंदर साथ करवा ही लेता है,
चोरी छिपे गर्म मसाले डाले ही जाते हैं, काली मिर्च डाली ही जाती है, मेरे समझाने का कोई असर नहीं होता। यह 10 साल से चल रहा है, मैं भी सब जानता रहता हूँ, लेकिन नुकसान किसको होता है? सबसे ज़्यादा नुकसान गुजरात का सुंदर साथ भुगत रहा है। यदि आपको अपनी आत्मा की जागृति करनी है तो जो मैंने कहा कि सारथी को ठीक रहना पड़ेगा, सारथी ठीक होगा, बुद्धि ठीक होगी तो मन ठीक होगा, मन ठीक होगा तो इंद्रियां ठीक होगी, और तब ये रथ पर बैठा हुआ जीव लक्ष्य तक पहुंचेगा, तब वो जागृत होगा। अब चुपाई दूर मुंडा जीव जाग जे रे, काई धनी तने चरण पसाय, तू भरम उड़ाड़ जे रे, तू भरम उड़ाड़ जे रे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे।